दोस्तों, ये दुनिया इतने रहस्यों से भरी कि हम कभी इसको समझ ही नहीं पाएंगे। कई बार किसी की आंखों के सामने ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिन पर दूसरे लोग यकीन तक नहीं कर पाते, लेकिन जब कोई मंदिर जैसी जगह से इस प्रकार की रहस्यमय बातें सामने आए तो क्या आप ऐसी बात पर यकीन करोगे? क्योंकि आज भी दुनिया में कई ऐसे बुद्धिजीवी लोग हैं जो भगवान के होने पर सवाल उठाते हैं, लेकिन उन मूर्खों को कौन समझाए कि यह दुनिया भगवान की वजह से ही चलती है। आज की यह वीडियो आपकी आंखें खोल देगी और आप मानने पर मजबूर हो जाएंगे कि अब वाकई में भगवान है। आज हम आपको केदारनाथ में हुए दो ऐसे चमत्कारों के बारे में बताएंगे। जब 6 महीने के बाद केदारनाथ का दरवाजा खोला गया तो क्या हुआ था? आप देख रहे हैं मिस्ट्री ऑफ गॉड यूट्यूब चैनल। ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, केदारनाथ धाम मंदिर को दुनिया का सबसे मिस्टीरियस मंदिर माना जाता है और सबसे बड़ा रहस्य तो इस मंदिर के निर्माण का है। आखिर केदारनाथ मंदिर को कब और क्यों बनाया गया था, इसके बारे में कोई स्पष्ट रूप से नहीं जानता है। हालांकि ये बात अलग है कि धर्म और शास्त्रों में इस बात का जिक्र है केदारनाथ धाम मंदिर को पांडवों ने बनवाया था, परंतु अभी तक इस बात का भी कोई सबूत नहीं मिला है कि इस मंदिर को वाकई में पांडवों ने बनवाया था, जिसके पीछे कोई और रहस्य छिपा है। इसके अलावा इस मंदिर के निर्माण में जिस कला का इस्तेमाल किया गया उसे देखकर तो हर कोई हैरान रह जाता है। केदारनाथ मंदिर की बनावट अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं है। इस मंदिर का निर्माण बड़े बड़े पत्थरों से किया गया है। इन पत्थरों और शिलाखंडों को आपस में जोड़ने के लिए इंटरलॉकिंग तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ तक कि इसके अंदर कहीं पर भी सीमेंट का इस्तेमाल नहीं किया गया है। मंदिर की बनावट और आर्किटेक्चर देखकर ऐसा लगता है कि किसी आधुनिक इंजीनियर ने सब कुछ किया है। और यह मंदिर समुद्र तल से 22,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद है। इतनी अधिक ऊंचाई पर इस तरह की बड़ी शिलाखंडों को ले जाना अभी भी काफी मुश्किल होता है। लेकिन आपको पता है कि जिस समय इस मंदिर का निर्माण किया गया था उस समय मॉडर्न टेक्नोलॉजी तो थी नहीं। इस मंदिर का निर्माण आज से हजारों साल पहले किया गया था, इसलिए उस समय बिना मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट के इस तरह की सटीक डिजाइन बनाना भी अपने आप में चमत्कार से कम नहीं था। इस मंदिर का एक रिकॉर्ड रहा है कि चाहे कितने भी बड़ा तूफान आ जाए इस मंदिर को बिल्कुल आंच तक नहीं आती है। और सबसे बड़ा चमत्कार देखने को मिला 16 जून 2013 को घटी उस घटना के वक्त। उस समय उत्तराखंड में इतनी भयानक बाढ़ आई थी कि सुनामी और तूफान ने पूरे उत्तराखंड को अपनी चपेट में ले लिया था। बड़ी बड़ी बिल्डिंग खिलौने की तरह पानी में बह गई थी, लेकिन केदारनाथ मंदिर को बिल्कुल भी कुछ नहीं हुआ। केदारनाथ मंदिर का एक पत्थर तक नहीं हिला। पानी का सैलाब मंदिर के अंदर तक पहुंच गया था, जिसकी वजह से पूरा मंदिर पानी में डूब गया, लेकिन मंदिर को कुछ भी नहीं हुआ। मंदिर बिल्कुल वैसा का वैसा खड़ा था जैसा आज से हजारों साल पहले बनाया गया था। लेकिन असल रहस्य ये नहीं, बल्कि अभी जो आप सुनेंगे शायद आपको अपने कानों पर यकीन नहीं होगा, क्योंकि बाढ़ के वक्त पूरे एरिया में उस वक्त पानी ही पानी फैल गया था। जब उस बारिश में बहुत सारा पानी हो गया था तो पीछे से एक चट्टान में से एक बहुत बड़ा पत्थर निकलता है और वह पत्थर केदारनाथ मंदिर के जस्ट बैक साइड में आकर रुक जाता है और पानी को दो धाराओं में बांट देता है। यानी कि पानी की तेज धार जो मंदिर की तरफ तबाह करने के लिए आगे बढ़ रही थी, उसे उस विशालकाय पत्थर ने बड़े ही चमत्कारिक तरीके से दो भागों में बांट दिया, जिसकी वजह से इतनी भयानक बाढ़ में भी यह मंदिर बच गया। मंदिर के अलावा आसपास मौजूद सब कुछ तबाह हो चुका था। पूरी केदारनाथ घाटी जलमग्न हो गई थी। जब इस नजारे को लोगों ने देखा तो सबके मन में एक ही सवाल था कि यह कोई प्राकृतिक घटना नहीं है, क्योंकि उस समय बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी वाली इमारतें जमीन दोज हो गई थी। उस समय इतनी विकट परिस्थिति में इस मंदिर को कुछ नहीं हुआ। भगवान शिव के भक्ति से चमत्कार मान रहे हैं। जब इस चमत्कार को लोगों ने अपनी आंखों से देखा तो उन्हें एहसास हो गया कि सच में केदारनाथ मंदिर में भगवान का वास है। और इसी चमत्कार के लिए केदारनाथ मंदिर में पूजा करने के लिए खराब मौसम में भी लोग जान जोखिम में डालकर आते हैं। वाकई में कितना रहस्यमय और चमत्कारिक है। केदारनाथ धाम मंदिर को भगवान शिव का पवित्र हिंदू तीर्थ स्थलों में सबसे शुद्ध माना जाता है। और इस मंदिर के बारे में एक बहुत प्रचलित मान्यता है कि जो कोई भी जाकर इस मंदिर में पूजा करता है वह बहुत ही खुशकिस्मत होता है, क्योंकि मान्यता है इस मंदिर में आना हर किसी के भाग्य में नहीं होता। केदारनाथ को चार धाम यात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। केदारनाथ का मंदिर हमेशा बर्फ से ढका रहता है। दोस्तों, केदारनाथ में शिवलिंग की पूजा की जाती है। बताया जाता है कि यहाँ शिवलिंग की उत्पत्ति अपने आप भूमि से हुई थी। अब आते हैं उस सवाल पर जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है, आखिर क्यों केदारनाथ के दरवाजे 6 महीने के लिए बंद कर दिए जाते हैं? ऐसी क्या वजह है जिसे लेकर केदारनाथ मंदिर 6 महीने बंद रहता है और 6 महीने खुला रहता है?
उसके पीछे वजह यह है कि केदारनाथ में मौसम काफी खराब रहता है। खराब मौसम के चलते इस मंदिर के कपाट को 6 महीने के लिए बंद कर दिया जाता है। मंदिर बंद करने से पहले पुजारी विग्रह और दंडी को नीचे ले जाते हैं, लेकिन इन 6 महीने में वहां पर एक बहुत ही रहस्यमय घटना घटती है। जो इसके बारे में सुनता है वो हैरान रह जाता है, क्योंकि लोगों का दावा है कि 6 महीने जब मंदिर बंद रहता है उससे वहां पर किसी को भी जाने की अनुमति नहीं होती। इस बीच ठंड ज्यादा होने के चलते वहां परिंदा तक पर नहीं मार सकता। पूरे 6 महीने मंदिर में किसी प्रकार की कोई साफ सफाई नहीं होती और जब मंदिर बंद होता है उस समय एक दीपक जला कर रखते हैं, लेकिन उसके बाद वहाँ 6 महीने तक उसी प्रकार जलता रहता है। यहाँ तक कि मंदिर के अंदर जो दीपक जलाने का काम होता है वह भी कोई पंडित जाकर नहीं करता, यानी कि मंदिर के अंदर का भूगर्भ का पूरा प्रवेश बंद कर दिया जाता है और शिवाय उस मंदिर के अंदर भगवान भोलेनाथ के कोई नहीं होता। हैरानी की बात तो यह है कि मंदिर 6 महीने बंद रहने के बावजूद उसको दोबारा खोलने पर भी दिया वैसे ही जलता हुआ दिखाई देता है। मंदिर में एक छोटा सा दिया 6 महीने तक लगातार कैसे जलता है, इस बात को लेकर सब हैरान है, क्योंकि हम किसी घर को 10 दिन के लिए भी बंद कर देते तो वहां पर सब कुछ पहले जैसा नहीं रहता। धूल मिट्टी से इतना गंदा हो जाता है कि यहां तक कि जाले जम जाते हैं। लेकिन जब स्वयं ब्रह्मांड को चलाने वाले भोलेनाथ किसी जगह पर हैं, तो क्या मजाल कि उस जगह के आसपास मिट्टी जमा हो जाए। जब पूरे 6 महीने के बाद केदारनाथ की कपाट खोलते हैं तो बिल्कुल भी गंदा नहीं होता। जिस स्थिति में पंडित कपाट को बंद करते हैं उस स्थिति में कपाट को खोलने पर मंदिर बिल्कुल वैसा ही उसी स्थिति में मिलता है। चलो ये भी ठीक है कि मंदिर अगर पूरी तरह से बंद हो तो कुछ नहीं होता, लेकिन इसके अंदर जो 6 महीने तक दीपक जलता हुआ किसी बड़े चमत्कार से कम नहीं है। यहाँ की लोगों का मानना है कि केदारनाथ के मंदिर में 6 महीने तो इंसान भगवान की आराधना करते हैं, लेकिन जब कपाट बंद हो जाते हैं उसके बाद 6 महीने तक दूसरे देवी देवता भगवान के पास आकर उनकी पूजा करते हैं और इस बात का सबूत जलता हुआ दिया चीख चीख कर देता है। नहीं तो आपने कभी सुना है किसी मंदिर में 6 महीने तक दीपक जल रहा है और वो बुझने का नाम ही नहीं ले रहा? इस तरह का चमत्कार सिर्फ और सिर्फ केदारनाथ में ही हो सकता है। मंदिर की एक और बात बड़ी हैरान करने वाली है कि वहाँ भगवान शिव आज भी भक्तों को साक्षात दर्शन देते हैं, इसलिए उन्हें जागृत महादेव के नाम से भी जाना जाता है। पुराण के अनुसार शिव जी का एक भक्त बड़ी मुश्किलों को पार करके केदारनाथ पहुंचा था, लेकिन नियम के मुताबिक मंदिर के कपाट 6 महीने के लिए बंद कर दिए गए थे। तब उन्होंने भक्त से मंदिर का पाठ दोबारा खुलने पर आने की बात कही। इसलिए कहा जाता है कि केदारनाथ मंदिर में भगवान की असीम शक्तियां मौजूद हैं। यही कारण है कि लोग केदारनाथ मंदिर को इतना असीम और पवित्र मानते हैं। लोगों के मन में केदारनाथ को लेकर जो आस्था और विश्वास है वो वाकई में अद्भुत है। इस मंदिर के अंदर कदम रखते ही ऐसा प्रतीत होता है कि मानो भगवान शिव का हाथ स्वयं आपके सिर पर आ गया है और सारी तकलीफ खुद ब खुद गायब हो जाती है। अब आप किसी भी धर्म से क्यों ना वास्ता रखते हो, लेकिन अगर आप विज्ञान को मानते हैं तो एक दिन यहाँ मंदिर में जाकर यहाँ होने वाले चमत्कारों को जरूर महसूस कीजिए और साथ ही कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आप कभी केदारनाथ मंदिर गए हैं या नहीं। जय हिंद, जय भारत, जय भोलेनाथ।